विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरो पादपंकजम् सुमुखस्य कथंश्चिदपीनो गजकर्णकालम्बोदरश्च विदितो विघ्ननाशो विनायको धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालुचंद्रो गजानन श्री गणपति भगवान की जय। माँ पार्वती को प्रणाम कर ले सब। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यात्र अम्बके गौरी नारायणी नमोस्तु ते। शंकर भोलेनाथ भगवान को आज पूर्णिका की रात्रि है। हमारे कथा के माध्यम से आज भगवान श्री भोलेनाथ और मैया पार्वती का विवाह का प्रसंग है, तो माँ पार्वती और शंकर भगवान जी को प्रणाम कर लिया जाए। सब बोले साथ में ओम रतनया कल्पितं मासनं हेमा जदया स्नानं च दिव्यांबरं नाना रतन विभूषितं मृगमदां मोदांकितं चंदनं जाते चंपक विलव पत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवं दयानिधि पशुपतया हर कृपेयतं गृहातां। ओम नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मस्तराय च नमः शिवाय शिवतराय च। शंकर भोलेनाथ भगवान की जय। बाबा हनुमान जी विराजमान हो गए, आइए उनको प्रणाम करें। ओम अतुलित बल धामनो हे दनुज बन त्रिशानं ज्ञानिनां अग्रगण्यम् सकल गुण निधानं मानराणामधीशं रघुपति प्रियावर्तं वात जा हनुमान जी महाराज जय। उनके स्वामी श्री प्रभु राम जी को सब मिलकर के आइए हम वंदना करें। लोका विराम रण लोका
शत्रुघ्नं
समर्पयामि। ओम इदं फलं माया देवं स्थापितं पुरुतस्तदा तेन मा सफलावाप्ते भर्मे जन्मनि जन्मनि। नैवेद्यं फलं समर्पयामि। भोग लगा। ओम प्राणाय स्वाहा। ओम अपानाय स्वाहा। ओम समानाय स्वाहा। ओम ज्ञानाय स्वाहा। ओम उदानाय स्वाहा। आचमन करने दे। हरि ओम मदंगलम निर्मलम आचमन्यं समर्पयामि। भगवान के पास में कुछ रख करके और फिर हम हाथ जोड़ ले सभी को। आइए जमीन भैया जी से निवेदन करें, भोग लगवा दे भगवान का। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग
वाइल्डलाइफ कोटी नाम से प्रसिद्ध है, वहां भी आज बहुत बड़ा शक्ति है। बाबा जी जो आए थे भारतवर्ष से, उन्होंने इस वाइल्डलाइफ कोटी को स्थापना करी थी और आज भक्त देश विदेश से, दुनिया के हर कोने से वाइल्डलाइफ कोटी जाते हैं, वहां बाबा के चादर चढ़ाते हैं और भी कुछ प्रसाद है आदि सब चढ़ाते हैं। बड़ा भव्य मंदिर है, तो कभी आप जाएं तो जाएं। लेकिन इन दोनों के बीच में एक रास्ता और जाता है जिसको इटाटोको रोड नाम से जाना जाता है। रास्ते पर से ही आपको श्री हनुमान गढ़ी दिखाई देगी, जहाँ मेरा पैदाइश भूमि है, वो मेरा घर है, मेरे पिताजी का घर है, मेरे भाई का घर है, मेरे परिवार का घर है, वो श्री हनुमान गढ़ी है। वहाँ पर बहुत दिव्यता है, वो भी बहुत सुंदर जगह है, कभी आप जाए तो निसंकोच बढ़ जाइएगा। 10-15 मिनट पैदल चल करके रास्ते से आप पहुंच सकते हैं वहाँ, और गाड़ी में जा रहे हैं तो 5 मिनट की रास्ता है, आप पहुंच जाए तो बिल्कुल आपका स्वागत होगा। मेरे भाई जो मैनेजिंग डायरेक्टर को SK देवी बाग ब्रांच है, वो वहाँ की देखभाल करते हैं और बहुत ही भव्य मंदिर है। तो हमारे इस इटाटोको गांव से हमारे साथ पले बड़े, हमसे 5 वर्ष छोटे हैं, लेकिन इनका हम स्वागत करते हैं हमारे गांव की तरफ से। और सभी जितने भक्त जन दूर निकट से हमारे बीच में पधारपण करके हमारे बीच में आए हैं, सबका अपना अपना इसको लेफ्ट साउथ थोड़ा शास्त्र कर देंगे, तब आप फीडबैक ले आएगा। धन्यवाद। आइए चले हम सब भाव से भगवान के पारम कथा में डूबेंगे, और हम बारी बारी से सब कलाकारों को भी मौका देंगे, समय एक ही अभी भी जोड़े थोड़ा शास्त्री का थोड़ा सा शांत कर देंगे, आप तो फीडबैक ले आएंगे। धन्यवाद। राइट वाला इज ओके, लेफ्ट वाला थोड़ा सा मैनेज कर लो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, गिरा करके आप वॉल्यूम ऊपर करो ताकि हमें तकलीफ ना हो भैया। धन्यवाद समय, यू बीन डूइंग वेरी वेल, आपकी आज भी एकदम आनंद है। और थोड़ा सा कोई परेशानी ना हो हमें, बस 1 घंटा बोलना, दिन भर 4-5 घंटा बोलना थोड़ा ज़्यादा हो जाता मेरे लिए। मैं इस बीच में याद करता हूँ हमारे जोशी पंडित जी को, अभी भी लेडीज श्री जगन्नाथ जी मुझे बताया कि उन्होंने आज फोन किया है, वो हमारे इस भवन के एक बड़े ही अच्छे भक्त थे, और पंडित जी हमारे बीच में हर वक्त आया करते थे। जैसे हमारे अंकल जी बैठे हुए हैं ऐसे उनके साथ में बैठा करते थे, लेकिन अब हिमाचल चले गए हैं, वहाँ से आ नहीं पाते, लेकिन अपना प्यार अपना आशीर्वाद देता है हम सबको भेज रहे हैं। और साथ साथ इसी वक्त मैं याद करना चाहूँगा हमारे दो और बड़े प्रतिष्ठित इस समाज के भवन के, जो हम जिनको खूटा बोलते हैं, पिलर बोलते हैं, एक हमारे काका श्री रामचंद्र जी जो अभी भी स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, और उनको हम लोग बहुत बहुत याद करते हैं, और उनका यहाँ बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। उनके परिवार की तरफ से हमारे शैलेंद्र प्रसाद और लता प्रसाद, साथ में उनकी बेटी नीलम, बेटा कश्मीर पीछे लंबा वाला दिखाई दे रहा है जो भोजन परोसता है, हमारे दामाद जी हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं। ऐसे परिवार का सानिध्य है, कश्मीर बेटा का सानिध्य है, उनकी बहू का सानिध्य है, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे स्वर्गीय श्री पैट्रन महोदय जी जो संसार में अब नहीं रहे, लेकिन उनके याद अभी भी बहुत ताजा है हमारे बीच में। अभी 6 महीना कुछ हुए हैं उनको इस संसार छोड़कर के परमात्मा के परम धाम को गए हुए, उनको हम लोग प्रणाम करते हैं। वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, भगवान उनको अपने परम धाम दे, परमात्मा उनको ऊपर से ऊपर योनियों में दे, उनको पुनः जन्म दे, तो एक सुंदर श्रीमान के घर में उनको जन्म दे, यही मंगल प्रार्थना करते हुए चले हम सब कथा प्रसंग में डूबे। और याद होगा संजीव भैया कल का प्रसंग कहाँ तक छोड़े थे हम लोग, वो रोज पूछते हैं इससे आप तैयार बैठे रहे, पता नहीं किससे हम पूछ बैठे हैं, तो हम संजीव भैया से 2 रात्रि पूछ लिए हैं। आप बताएं संजीव भैया कथा कि आखिरी मोड़ कहाँ थी? अच्छा पासीटोन निलेश आप बताएं। अच्छा नीलेश देखो बहुत काम होता है नीलेश के और संजीव भैया को, तो दोनों संजीव हारमोनियम संभालते हैं
बच्चों को समा के अंधे के पीछे नहीं। बेटा लोग देखो हमारे पीछे आ बैठती हूँ, हम कैमरा में देख रहे हैं, दिया नहीं दिख रही है, रिया नहीं दिख रही है, तो क्योंकि आप मेरे पीछे बैठे हुए ना, तो आप आ जाओ साइड साइड में, स्वागत जी जी के पास में इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, तो अब आप दिखाएंगे कैमरा में। थैंक यू। दुनिया देखना चाहती है आपको कि आप लोग कितना सुंदर और कितना अच्छे कलाकार हो बेटा लोग, इसलिए आप हमारे पीछे ना बैठे, साइड में बैठे। धन्यवाद। तो कल का प्रसंग हमने छोड़ा वहां, जब क्या हुआ, मैया सती ने योग शक्ति से अपने तन को आग लगा ली और मरते समय सती जी ने भगवान नारायण से एक विनती करी, बार बार उस चौपाई को दोहराई जाती है, आप हमारे साथ में गाएं उस चौपाई को। सती मरत हरि संग वर मांगा, सती मरत हरि संग वर मांगा, सुंदर आश्रम
हिमाचल के आस पास बना लिया। जहां तहां मुनि सुहास है उचित पास ही और दोहा में क्या लिखा है संजीव भैया। सारे जगत की जननी है, जो प्रारंभ शक्ति जो आदि शक्ति है, उनके आते ही हिमाचल देश की शोभा बढ़ गई है, वहां की रौनक बढ़ गई है। वहां की जो जानवर है एक दूसरे को जो खाते थे आपस में मित्रता हो गई। अब आप बोलेंगे झूठ बोल रहे हैं, हम कहीं झूठ बोले जो रामायण में देखा वही मैं बोल रहा हूं। अरे यार रमेश मास्टर जी झूठ कैसे बोले, वरुण वरुण लेके बैठा है आपने रामायण, तो हम तो झूठ बोल नहीं सकते। तो यहां लिखा है सहज पैर सब जीवन त्यागा। दोस्ती कर ली आपस में, हैंडशेक कर ली, शेर कहेगा तुम्हें नहीं खाएंगे, लेकिन खाएंगे खाए तो प्रभु जाने क्योंकि जब मैया शक्ति आई हुई है कोई ना कोई पदार्थ तो दे देगा। ठीक है सहज पै मंगल ग्रह तासु ब्रह्मादिक गौरीयसुजासु। स्वयं भगवती सरस्वती है, स्वयं भगवती महालक्ष्मी है, स्वयं भगवती दुर्गा के नौ रूप है। उनका यश ब्रह्मा सरस्वती माँ की वंदना सुनो ना, साथ में बैठी सुना ली या ब्रह्मा आदि सब यश कीर्ति गाने लगे और
नारद जी को समाचार मिला। अब नारद जी कैसे पिछड़ जाए भैया, नारद जी भी मन की गति से चलने वाला चले गए श्री हिमाचल यहाँ। और हिमाचल ने सुना कि नारद जी का आगमन हुआ है तो दौड़ करके नारद जी का भव्य स्वागत किया अपने पत्नी मैना के साथ में। और हमेशा जैसे संतों का आदर होता है ऐसे देवऋषि नारद का वहां भव्य स्वागत किया गया श्री हिमाचल जी द्वारा। शैलराज बड़े आदर कीना, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज मुनि के प्रसंग में भी आया था। जब याज्ञवल्क्य मुनि गए तो भरद्वाज मुनि यद्यपि कितने बड़े भक्त थे राम जी के, फिर भी उन्होंने श्री याज्ञवल्क्य जी को दिव्य आसन पर बिठा करके उनके चरण पखार करके उनकी पूजा करी। तो ये हमारी संस्कृति है, इसको भूलना। संत चरण घर में पड़ जाए समझ जाना कई जन्मों का पुण्य हमारा उदय हो गया है। जितेंद्र सिंह संदीप भाई जी, ये कई जन्मों का पुण्य उदय होता है तो हमारे घर में संतों की आगमन होती है। ऐसा नहीं है कि कोई संत जैसे पाए वैसे चले आए, भगवान चुन करके भेजते हैं हमारे घर में किसी एक ऐसे पूजनीय चरण को जो एक बार तेरे घर में पड़ जाए, हमारे घर में पड़ जाए ना, घर का भाग्य बदल जाता है, घर का स्थिति बदल जाता है, घर की परिस्थिति बदल जाती है, घर के बिगड़े हुए सब काम सुलझ जाते हैं। और ऐसे देवऋषि नारद का आगमन और दिव्य आसन पर बिठा करके उनके चरण पखार करके इतना ही नहीं सारे महल में छीता है। कथा है ना सुदामा जब गए थे द्वारिका में, तो आप सब सुने कथा को, कोई नई बात तो नहीं है। सुदामा की दशा को देखा है त्रिलोकपति भगवान श्री द्वारिकाधीश, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके जो भगवान को रुला देगा, हम और आप क्या चीज है भाई वरुण बेटा, हम और आप क्या चीज है बताओ। त्रिलोकपति राम भगवान श्री कृष्ण सुदामा की इस दशा को देख करके रोने लगे। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा विधि होए। रुक्मणी जी सोने के परात लाई थी जल भर करके कि सुदामा के चरण धोवा जाए। पानी परात को हाथ लगे भगवान ने उस परात में जो पानी था जो जल था उसको हाथ भी नहीं लगाया। तो भगवतार से पूछा गया फिर वो चरण कैसे धो। पानी परात को हाथ लगे नहीं, नयन के जल से पग धो। अपने आंखों की आंसू से भगवान ने सुदामा के पैर धो। संत का आदर
भगवान ने हमें सिखाया है। संतों का आदर हिमाचल राज्य ने हमें सिखाया है। और जैसे देव ऋषि बैठ गए आसन पर तो दोनों दंपति श्री नारद जी के चरण में मस्तक नवा करके हाथ जोड़ करके देव ऋषि से निवेदन किए, हे संजीव दोहा में क्या बोले, धन्यवाद संजीव भैया। रुकेंगे एक मिनट के लिए, रुकेंगे इस दोहा पर, रुकेंगे हाथ जोड़ करके हिमाचल जी और उनके धर्म पत्नी मैना ने एक निवेदन किया, कहा त्रिकाल यज्ञ सर्वज्ञ तुम। त्रिकाल का मतलब है तीन समय का बात जान। कहीं मैंने राजा की कहानी बताई थी ना, एक उंगली कट गया था ना, तो सोनी प्रसाद भैया व्यंग करते हैं, हम लोग जब वहां पीछे बैठते हैं, बोले आपने बताया कि राजा ने कहा कि चार उंगली बचाए तो चारे तो उंगली रहा, तो मैंने कहा एक और है, बोले वो थंब है, वो अंगूठा है, बोले उंगली नहीं है, तो तीनों उंगली बचा था ना, एक तो कट गया था। धन्यवाद सोनी भैया। कभी कभी हमारे श्रोता लोग ना वो चीज पकड़ा देते हैं मुझे, जो मैं शायद कभी चूक जाता हूँ, रघु भैया ऐसा होता है। तो सोनी भैया थैंक यू वेरी मच। तो एक उंगली जब राजा का कट गया तो अब तीन ही उंगली बचे थे ना। धन्यवाद। तो यहाँ त्रिकाल यज्ञ का मतलब है जो तीनों समय को बात को जानने वाला है, हमारे भूतकाल का, हमारे वर्तमान का और हमारे भविष्य का, द पास्ट द करंट प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। तीनों समय का बात जो जाने वो कोई साधारण तो होगा नहीं, वो कोई साधारण व्यक्ति होगा नहीं, हो ही नहीं सकता। उनके पास सिद्धियां हैं, उनके पास आठ प्रकार की सिद्धि होती है। ऐसे देवर्षि नारद के पास सिद्धियां हैं। देवर्षि नारद मानस पुत्र है ब्रह्मा का, और क्योंकि वो त्रिकाल दर्शी है, वो जान सकता है कि ये छोटी सी कन्या जो आज हिमाचल के घर आई हुई है, इसका भविष्य क्या है। इसलिए तो निवेदन किया त्रिकाल यज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वज्ञ तुम्हारी। निवेदन किया, कहो सुता के दोष गुण, ध्यान देना, कहो सुता के दोष गुण। जब हाथ आगे बढ़ा देते हैं ज्यादा करके हमारे प्यारी महिलाएं लोग, तो कभी राइट हैंड बढ़ा देती है ना, देखे हमारा भविष्य कथन क्या है। अब भैया कोई हम लोग भविष्यवाणी तो नहीं करते हैं, और हम तो ना उतना पढ़े लिखे हैं कि भाई हम आपका भविष्य कथन कर सके, लेकिन कभी कभी थोड़ा बहुत सीख लिया, क्योंकि भारत काल से जाते रहते हैं तो कोई विद्वान लोग मिल जाते हैं और समझा देते हैं कि भाई फलाना लाइन में यह है, फलाना लाइन में यह है, फलाना लाइन में यह है, तो एजुकेशन लाइफ कैसा है आपका, आपका
हेल्थ लाइन कैसा है, आपका वेल्थ लाइन कैसा है और आपका मैरिज लाइफ कैसा है। दो चार अगर रेखा आए ना जीजा विजय, तो फिर हम तो चुप रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। हम एक हमारे एक बस, वही नहीं हम अपना और राम जी का कथा करते हैं और राम जी पर भरोसा रखते हैं वही करें। तो हमारे दोष और गुण मेरी कन्या का आप बताए प्रभु, नहीं बताया सिर्फ दोषी बताओ उनका, नहीं बताया उनका गुण ही, उनका दोष और गुण दो। नारद जी जब देखे तो पहले तो बिहसी गूढ़ मृदु वाणी बोले, क्या बोला उसने, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, हमारा चलते हो, सुंदर सहज सुशील सयानी। बड़ा आनंद हो रहा है, कितने लोग वहां बैठे हैं, कितने लोग ऊपर बैठे हैं, उनके हृदय दर्शन हो जाती है,
कि हमारा बेटा हमारा संतान अपने हर एक कार्य में सफलता प्राप्त किया था हमारे बीच में कैप्टन से आए थे अगर आपने उनको देखा होता तो आपको नहीं लगेगा कि वो आईटी उड़ाते हैं, बर्तन मांझना था वो, झाड़ू साफ पोछा करना था वो, अट्वेंटी आईटी और कैप्टन इतना साधारण है उनको देख करके हृदय कदम हो जाती है हमारे प्रीतम जी के साले साहब का बेटा है और जब भी आते हैं तो ऐसे मिलते हैं कि हृदय कदम हो जाती है। धन्य के फिर से आपको तो नानक जी का ये वचन था माता जी हे मैया मैया तेरे पुत्री को सारा संसार पूजेंगे, संतों की प्रिय होगी वो और आप दोनों इनके द्वारा यश पाओगे कीर्ति पाओगे। कीर्तन हमें सुनाने तो हम थोड़ा सा कथा को आगे ले जाएंगे और अनीश से कहीं कि तबला पर हम आए ताकि हमारे अनीश जी भी अपना कुछ कला इस मंच के माध्यम से हम सबको पेश करें। आइए देवेंद्र भैया दर्शन दो दर्शन दो दुर्गा महारानी दर्शन दो दुर्गा महारानी दर्शन दो I'm gonna make you mine.
दर्शन दो साथ में मंडलिंग वादक भी थे सुमित जी, तो हमारे लगे आए बेचारे प्यार से मुझे स्वागत किए और कहा भैया तू का इतना लंबा लंबा लिख दिए मेरे पास, देख लो भैया अच्छा से तू का इतना लंबा लंबा लिख दिए। मैंने क्या लंबा लिखा भाई, मैंने इतने लिखा जो हमारे मिथिलेश भैया ने ऐसा सुंदर सुंदर पोस्ट किए ना फोटोज, क्योंकि इनकी कलाकारी अलग है मिथिलेश जी का। वो जब चित्र उतारते हैं तो लोग कहते हैं कि 4 फुट का मूर्ति का चित्र उतारा, 4 फुट मूर्तियां का चित्र इन्होंने उतारा है। ऐसी कैमरा का टेक्निक इनके पास है और उसी को उसने अपलोड किया मेरे पेज पर और मैंने कमेंट डाला व्हाट अ डायनेमिक सिंगर। क्या झूठ बोला मैंने, अब बताओ। बिल्कुल, थैंक यू मास्टर जी, थैंक यू मास्टर जी। ऐसे डायनेमिक बोलते हैं, ऐसे लेजेंडरी बोलते हैं इनको, इन सब की इसकी जो कलाएं ना वो सबको नहीं मिलता। मैं ये बात को आपको बताऊं, जैसे दिया बेटी को मैंने बोला था ना, सबको नहीं मिलता, वो भगवान चुन चुन करके ही देते हैं। हम भी कितने सालों से गा रहे, क्या मुझे मिला, गा लेता हूं रीजनेबल रीजनेबल, लेकिन ये डायनेमिक है। ऊपर से भी क्या बोलते हैं हमारे जज लोग, सुपर से ऊपर, ये है
तो कोई गड़बड़ नहीं, मैंने बोला देवेंद्र भैया आप डायनेमिक हो, आपकी आवाज में वो स्ट्रेंथ है, वो आकर्षण है जो लोगों को लुभा देती है। ऐसे देवेंद्र नाथ, ऐसे जलेन कृष्णा, ऐसे अभि, ऐसे संजीव, ऐसे उदय सेन जी, ऐसे स्वात्मा बेटी, ऐसा श्रवण भैया, सुमित भैया, ये सब गिफ्टेड कलाकार लोग हैं और मैं बीच में बैठा हूं, इसलिए मैंने बोला कि मुझे सौभाग्यता प्राप्त हुई है कि ऐसे कलाकारों के साथ में मैं मंच शेयर कर रहा हूं और ये मेरा सौभाग्य है। मैं तो कई जगह पर कहीं ढोलक वाला इधर जाता है तो गाने वाला इधर जाता है ना जनमन भैया, तो ऐसे लगता है संगीतकार जो बीच में बैठे होते हैं उनको चार पांच थप्पड़ लगती है, क्योंकि जो संगीतकार लोग होते हैं ना उनको बेस्वर गाए दो उनको खुद थप्पड़ लगती है, क्योंकि उनको बेस्वर आप पसंद नहीं। सौरभ बेटा की आप सुनेंगे ना ताल, अब ताली लगा बेटा, 1 2 3 4 ताली लगाओ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक गिफ्टेड चाइल्ड है ना, क्योंकि उसको पता है कि हम जो बजा रहे हैं वो ताल बजा रहे हैं और ताल सही जगह दे रहे हैं। सबके समझ में आते, लोग जिंदगी बिता देते हैं ताली बजाते बजाते, ताली बजती नहीं। ऐसे कलाकारों के साथ में होकर के माँ जगदम्बा का आज यहां प्रगट्य होना, और देवर्षि नारद ने इनकी हस्तरेखा पढ़ करके इनके गुण और शील का वर्णन करा और कहा अब वो वारी आई है जो सिर्फ अच्छा अच्छा नहीं है, एक आध दो गड़बड़ भी दिख रहा है मुझे, तो सब नहीं जाएंगे, कल एक चीज में जाएंगे और उसके सुधार के क्या करी जाएंगी। आइए भाव से सजी भैया चलेंगे हम लोग, भाव से माँ के वो जो अवगुण है उस अवगुण का वर्णन देव ऋषि नारद कैसे किया है उसका थोड़ा भावत करें हम। दोहा में आता है योगी जटिल, योगी जटिल आकाम मन नगना आमंगलभेश, अस स्वामी अहिके मिलही परिहस्त असरेख। देवऋषि नारद हाथ देख रहे थे, मैया पार्वती का हाथ देख रहा था, क्योंकि उनके हाथों देखकर उनकी लकीरों को देख करके कहा कि इनका जो पति होगा वो कैसा होगा, जोगी होगा, योगी और जटिल होगा, जटाधारी होगा। योगी जटिल आकार मन नगन अमंगल, अमंगल कैसा, संसार का राग लगाते होंगे, गले में मुंडों की माला पहने होंगे और अस स्वामी यही के लिए परिहस्त असरेख। इनके हाथों में ऐसी रेखाएं पड़ी है, सुनकर के मैया मैना घबरा गई, कहीं
लगी कि मुनिवर जरा ठीक से देखो ना। बोले मां मैं ठीक से देख रहा हूं। यही इनका हस्तरेखा पड़ी है। ऊपर जो है हूं शिव पद कमल मिल रहा है इनको जो नगन भेष वाला है, अमंगल भेष वाला है। नारद ने भी ये भेद न जान पाया कि इनका पति जो है स्वयं श्री कैलाशपति भूत भवन भगवान शंकर ही है। कहा सब लक्षण जो है ना सब भगवान शिव की तरफ जा रहे हैं। तो उपाय ये है कि अगर ये तेरी कन्या जाकर के तपस्या करे तो शिव जैसा पति इनको प्राप्त हो सकता है। क्यों? क्योंकि शिव जी अमंगल वेश रखते हैं लेकिन सब गुणों से संपन्न है वो। समारत को मैं पति के पाने के लिए
सब भोग करो तो देवी जाओ तपस्या करो और शंकर जी जैसा पति आपको प्राप्त हो। सभी भैया साधारण वेश में कमंदर हाथ लेकर के और वन की तरफ निकल जाती है। कुछ दिन तक भोजन करती रही फिर छोड़ दी। फिर उपवास करने लगी। बैल के पत्ते जो बैल पैर से टूट टूट कर नीचे गिर रहे थे उन सूखे पत्तों को खाने लगे। धीरे धीरे शरीर दुबले पतले हो गए। जो इनके मन में बस गए गाना कैसे है तुम्हें मेरे मन में बस गया है। और क्या
शिव धाम जपते शिव नाम जपते जपते मेरे मन में बस गया है। और वही चाहिए, वही चाहिए, वो शिव चाहिए जो हमारे मन में बस गया है। तो फिर सप्तऋषि आए लौट करके भगवान शंकर को कहा कि सब तरह से संपन्न है पार्वती, अब एक काम करो, विवाह के लिए तैयारी कर लो। तो एक भजन श्रवण भैया हमने सुनाया अपने बेटे के तबले पर, और हम लोग अभी को कहेंगे कभी आप आ जाए हारमोनियम पर, हम लोग बारात निकालेंगे। हम बताए थे आज साथ शादी में जाएंगे। पहले मास्टर रमेश जी जब बारात में जाना था तो एक बुक होता था, सबका नाम लिखा जाता था, कौन कौन बारात में जाने वाले हैं, सब जो जो बारात में जाने वाले हैं, अभी 5 मिनट में कोई नहीं जाना चाहता। अरे भैया सुधा जा रही है, अष्टा पवन जा रहा है, विजय जी जा रहे हैं, और प्रीतम भैया जा रहे हैं, उत्तम भैया आप चल रहे हैं, और वरुण बेटा आप चल रहे हैं, आप तो बस ड्राइवर हो यार, अच्छा वो भी चल रहा है भाई, जय राम के, आप भी चल रहे हैं, थैंक यू, बस चलेंगे आराम से। एक काम करियोगे, भूतों के साथ चलना होगा, भूत प्रेत होंगे साथ में, हाँ तो कोई डर गया तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए भूत पिशाच प्रेत सब चलेंगे हमारे बारात में। आइए श्रवण भैया एक छोटा सा भजन सुनाया, फिर हम अभी फिर से निवेदन करेंगे अभी आप आ जाए हर जगह पर, और हम लोग शिव जी के बारात निकालेंगे। राम राम के ही मोती मैं बिखराऊं गली गली, कृष्ण नाम के ही मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। We'll be right back.
न्यूजीलैंड में कुछ दिन हमारे बीच में रहेंगे, 5-8 साल मेरे ख्याल में, तो इस मंच की शोभा जरूर बढ़ाएंगे जब जब उनको हम लोग पुकार करेंगे। तब आइए, दिया बेटी हमारे बीच में आई रही है, और क्योंकि शंभो भगवान का बरात निकलने वाला है तो दिया बेटी के पास मुझे अभी भी बताया गया, उनके पास एक शिव जी का बड़ा सुंदर विवाह गीत है, तो दिया बेटी के साथ में हम लोग बारात धीरे से निकालेंगे, धीरे से निकालेंगे, अलग नंगा करके करेंगे। कैसे बारात सजी है थोड़ा देख रहे, दो झलक दिखाए आपको, हम गाएंगे नहीं लेकिन सुनाएंगे आपको। पूज्यचरण गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब शंकर भगवान मान गए कि अब हम बारात निकल आएंगे, बारात चलेंगे लेकर के, तो यहाँ लिखा हुआ है कि शिव ही शंभु गण करहि सिंगार। और दिया के बाद में अभी आप आ जाएंगे हारमोनियम पर। शिव ही शंभु गण करहि सिंघारा, जटामुकुट अहि मोर समारा। और कैसा, कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, सांपों के कंगन और कंकण सब पहनाएंगे, तन विभूति पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर शीर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। भगवान शंकर के स्वरूप और गले में उनके ओ हलाहल, जो समुद्र मंथन समय निकला था, जिसके कारण से उनका नाम नीलकंठ पड़ा है, तो करला कंठ उला नरसिंह माला, अश्वमेध शि
शिव धाम कृपाला। अमंगल वेश रख करके भी शोभायमान और नगर जो निकट में बारात जब पहुंचती है तो भैया वहां के जो भूत प्रेत आदि थे सब साथ में है। देवताओं ने सोचा कि अगर हम ये बारात में चलेंगे हमारी बेइज्जती होगी, तो उन्होंने तय किया भगवान विष्णु के साथ में कि हम लोग विलग हो जाएं, हमारा टीम अलग चलेगा। और जितने देवताओं की स्त्रियां थी सब तैयार और सब भज करके अपने अपने लाइन में चलने लगी। और इधर शंभू ने सोचा कि भैया ठीक है, मजा हम चखाएंगे तुमको। और भूत प्रेत साथ में नाना प्रकार के गाना गाते हुए आगे जब बढ़े बारात लेकर के, और लड़के जो थे छोटे छोटे बारात में देखे ऐसा भूत प्रेत और पिशाच सब डर के मारे भागे। कोई खाट के नीचे रुक गया, कोई मैया लोगों के पीछे जा करके छुप गए, और जो कुछ बचे थे थर-थर कांपने लगे और अपने पिताओं को जा करके बताने लगे कि भाई भूत आ गए, भूत आ गए और भूत आ गए। तो हमारी दिया बेटी ने एक भजन तैयार किया है, आइए बेटा शिव जी की बारात हो जाए। Thank you.
सुंदर है, बहुत बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देवेन या अभी कोई है? जो 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 भी शिव जी के आज बरात में जा रहे हैं गाते बजाते, तो उनको बहुत ज्यादा नेक मिलने वाला नहीं है हमारे से नहीं। हिमांशु जी देंगे और मैया मैना देंगी। इधर तो मैया मैना घबरा गई क्योंकि बरात जैसे पकड़ी और परिछन की तैयारी थाली सजा करके सखियों के साथ में यूं आरती के लिए जब आई तो क्या हुआ पता है ना, मैया बेहोश। अब ऐसे दूल्हा इनके घर के कपड़े भी नहीं और मैया ने देखा भूत प्रेत के साथ सीधा बेहोश। नारद जी फिर बहुत समझाए मैया को और फिर किसी ने ला करके थोड़ा धोती होती लपेटा शंकर जी को, बोले आप कर लो शादी ले तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो सब जानते हैं कि पागल दूल्हा है और पागल दूल्हा से बहस नहीं करते। पंडित जी ने भी देर नहीं करी और इन्होंने भी पानी ग्रहण का जो कार्य संपन्न करे लेकिन बरात में चले तब तो पहले बरात आगे बढ़ेगी जनवास से आगे। आइए कभी कभी कोई कोई है, कोई एक आजा, कोई एक आजा, इतना देरी आप लोग कलाकार हो तो फिर हम जुटे। शंभुनाथ भगवान के जय। भक्ति के तारों से जुड़े हम हैं रिश्ता का रिश्ता है अपना ध्यान लगा दीजिए। राम रघुना सुखना जुल अधूरा राम गुना, राम रघुना सुखना जुल अधूरा राम गुना। भक्ति के तारों से I'm not afraid of the dark.
बैठ गए तो भगवान शंकर की शादी मैया पार्वती से कैसे हुआ। दोहा में लिखा है कि मुनि सो अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी। दोनों मैया पार्वती और शंकर ने श्री गणेश जी का पूजन किया। अब आप सोचेंगे इनका तो शादी हुआ नहीं, गणेश जी कहां से आ गए। मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, आप घर जाए विचार करें, कल आएंगे इस पर हम लोग बातचीत करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि शंकर भगवान की शादी है और गणपति भगवान का पूजन किया गया। को सुन संशय करे तो संशय मत करना, घर जाकर के सोचना इस पर। कोई सुनी संशय करे जनी सुन अनादि जिया जाने। और अब जस विवाह की विधि श्रुति गाई, अरे महामुनि सो सब करवाई। पानी है जब की हमेशा दूसरे का हाथ पकड़ना, उसको पानी ग्रहण बोलते हैं। पानी का मतलब हाथ, ग्रहण का मतलब है लेने। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लिए और मंगल फेरे पड़े। फिर मंत्र द्वारा भगवान शिव और मैया पार्वती की शादी होगी। जो समय जय 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 शंकर पंडित जी का अंदाज बोले मेरे पिता का नाम बिरंजी हूं। ठीक
मेरे पिता पिता के नाम बोले विष्णु बोले उठी बोले इन दोनों को पिता मैं हूं। अरे पंडित जी बोले शादी कर दो नहीं तो ये दूल्हा सच पागल है। और विवाह संस्कार हो गया और पाणी ग्रहण संस्कार हो गया। बहुत प्रकार के दहेज वगैरह प्रदान के लिए लिखा है अज कनक भाजल हरियाणा दायज दीन जाए शंकर को भगवान को चाहिए। दंदन भोले नाथ वाली दी तीन लोग के कपल भर में उनको गया दहेज चाहिए भैया। लेकिन वहां का प्रथा था उस समय का तो दहेज वेज दासी तुरंग घोड़े हाथी सब दिए गए और आराम से बरात विदा हो करके पुनः कलाश पर लौट जाती है और कल से राम कथा शुरू होती है। बोले श्री हर रामचंद्र भगवान की बोले शंभुनाथ भगवान की मंगल आरती के सफल हो जाए। धन्यवाद। आज सुबह की आरती होगी शिव जी की आरती होगी। हाँ सर 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 Oh, my God.
Thank you.
भारत शिवा का स्वामी सुख संपत्ति ओम हरे 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 महादेव स्वामी शरण गौ मैं किसकी विद्याद्रवीणं त्वमेव सर्वं
मम देव देवा आवाहनम ना जानामि विसर्जनम् पूजा चैव न जानामि चमस्य परमेश्वरः मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनम् यत्पूजितं मया देवं परिपूर्णमकरदास्तु मे। भगवान से बोले हैं परमात्मा, छठी रात्रि का नौ दिवस कार्य भली भांति संपन्न हुआ। आज के हमारे मुख्य यजमान और उनके सभी परिवार, भैया संजीव, रवीन भैया और अजनेश भैया, सकल परिवार सहित सबके परिवार सुख समृद्धि शांति से आपका घर बना रहे। सब बोले साथ में, ओम अस्तो मा सदगण तमसो मा ज्योतिर्गण मृत्योर्मा अमृतं विनाशनम् श्री रामचंद्राय चरणोदत्त पीतवाय पूर्णजन्मन विदितय। सब बोले साथ में, राम कहे सुख उपजे कृष्ण कहे दुख जाए कल हमारे यजमान हैं भैया रवीन जी, साथ में अखिल शर्मा चीज के पुआने हैं, धन्यवाद। तो कल हमारे बीच में होंगे मुख्य यजमान के साथ में, आपका भी योगदान हो, आप भी अपने घरों से पिछले हरिकुल आदि सबको बेहद धन्यवाद। और स्वागत बेटा हमने परिवार छोटा सा भजन सुनाया हमें सबको, जब तक प्रसाद वितरण हो रही है। इसके बाद में हमारे और धुरंधर कलाकार हमारे मोनिर महाराज जी भी आए हुए हैं, उनका भी स्वागत है। जनेन कृष्ण आए हुए हैं, उनका भी स्वागत है। विशाल प्रसाद भी है, उनका भी स्वागत। कल दबिन नाथ नहीं रहेंगे, परसों भी नहीं रहेंगे, तो आप लोग का दायित्व बनता है जो जो दबिन जी के घर नहीं जा रहे हैं वो हमारे यहाँ आए। Thank you.
Thank you.
अभिनय।